गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम इन हिंदी क्लास। बच्चों हाउ आर यू? आई थिंक ऑल राइट ऑल ऑफ यू। बच्चों मैं आपको कुछ और रिवीजन दूंगी हिंदी क्लास में मात्राओं का, क्योंकि कुछ बच्चे हमने सुना है मात्राएं अच्छे से लर्न नहीं कर पा रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं। ओके बच्चों, तो हम क्लास में अभी और प्रैक्टिस दे रहे हैं मात्राओं की। ओके बच्चों, तो आप देखिए, आप रिवीजन डालिएगा, डेट डालिएगा। ओके, ये आज आपका वक्त देखिए, ए तथा ए की मात्रा के शब्दों को अलग अलग लिखो, अलग अलग लिखो। ओके बच्चों, जिस पे एक मात्रा आती है वो ए की होती है, जिस पे दो मात्राएं आती हैं वो ए की होती है। ओके बच्चों, नीचे ये वर्ड दिए हुए हैं, देखिए पहले भी हमने आपको पढ़ाया है क्लास में। हाँ, पेड़ पा में ए की मात्रा है। हाँ, तो ये कौन से कॉलम में लिखेंगे आप? ए की कॉलम में। केला का पे ए की मात्रा है तो आप ए के कॉलम में लिखेंगे। पैसा पा पे ए की मात्रा है तो आप ए के कॉलम में लिखेंगे। ओके बच्चों, केतली का पे ए की मात्रा है तो आप ए के कॉलम में लिखेंगे। मेज माँ पे ए की मात्रा है तो आप ए के कॉलम में लिखेंगे। सैनिक सा में ए की मात्रा है, दो मात्राएं हैं, ए की मात्रा यहाँ लिखेंगे आप ए के कॉलम में। बैलगाड़ी हैं, बैलगाड़ी ए की मात्रा का है तो आप ए के कॉलम में लिखेंगे। ओके बच्चों, ये आपका रिवीजन। और दूसरा रिवीजन आपका ये है, ये देखिए बोर्ड पे मैंने लिखा है रिवीजन टेस्ट। ओके बच्चों, रिवीजन टेस्ट आप करेंगे। हाँ, ओ की मात्रा के पांच शब्द लिखो। ओ की मात्रा के आप पांच शब्द लिखेंगे टेस्ट में, अपने आप जो आपको आते हैं अच्छे से। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, औ की मात्रा के पांच शब्द लिखो। ओके बच्चों, तो अपने मन से ओ की मात्रा के और औ की मात्रा के पांच शब्द जो आपने अच्छे से लर्न किए हैं वो लिखेंगे। ओके, ये आज आपका क्लास असाइनमेंट है। ओके बच्चों, आप लर्न करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। हम क्लास में प्रैक्टिस कराते हैं, आप घर में प्रैक्टिस करिए तो आपकी मात्राएं स्ट्रांग हो जाएंगी। अप्रैल मई जून, ओके, आपको ये 3 मंथ मिले हैं और जुलाई भी प्लस। ओके बच्चों, अब आपको मात्राओं का अच्छा ज्ञान धीरे धीरे हो जाना चाहिए। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।